MIUI 13 सेंस पर अगर आप एक थीम सर्च कर रहे हैं Redmi, Xiaomi और Poco डिवाइस के लिए तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थीम पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12 या MIUI 12.5 के लिए अगर आप MIUI 13 से इंस्पायर एक थीम सर्च करें तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप जाएगा इसका गूगल का फोल्डर में तो इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पेड वर्जन का एक आइकन पैक देखने को मिल जाता है। गूगल का फोल्डर, होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर सभी जगह में आपको जो है सेम आइकन देखने को मिलता है और आइकन पैक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग आइकन पैक चाहिए तो ये आप थीम ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम का विजेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, वॉलपेपर आपको पूरा कंप्लीट ब्लर्ड आउट देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहिए इसका कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको जो है इसका बैकग्राउंड आप ब्लर देख सकते हैं। आपको कंट्रोल सेंटर में टॉगल्स जो आपको न्यू टाइप का देखने को मिलता है। और अगर आप जाएगा इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में भी आपको सभी टॉगल्स जो है कलरफुल देखने को मिलता है। ब्लैक बैकग्राउंड के साथ अगर आप डार्क मोड यूज़ कर रहे हैं, व्हाइट टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल आपको थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा कुछ थीम चाहिए था तो ऑब्वियसली आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जाएगा इसका अबाउट फोन में तो उसमें आपको MIUI 12 का डिफ़ॉल्ट लोगो हटा के MIUI 13 का लोगो डाल दिया गया। तो बोल सकते हैं कि ये आपका MIUI 13 से इंस्पायर्ड थीम है। ऑल स्पेक्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। जैसे आपका MIUI 13 का थोड़ा बहुत चेंजेस है वैसे ही आपको सेम टू सेम चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग में भी आपको जो है चेंजेस देखने को मिलता है। ओवरऑल लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इस थीम में देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि शायद आपको ये थीम पसंद आया होगा, इसका सिस्टम UI पसंद आया होगा, लुक, आइकन, विजेट, कंट्रोल सेंटर सभी कुछ पसंद आया होगा। डायलर मैसेजेस आप चेंज नहीं होता, वॉल्यूम स्लाइडर भी इनफैक्ट आपका चेंज नहीं होता जो कि होना चाहिए था। बट MIUI 13 में भी आपको ऐसे कुछ देखने वाला कंट्रोल सेंटर, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका चेंज नहीं होता, तो ये भी नहीं चेंज हो जाता मतलब। और अगर आप चाहिए इसका लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन में आपको देख सकते हैं सेम आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता। पीछे क्या है मुझे भी नहीं पता ब्लड आउट में, बट ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग लुक के साथ देखने को मिलता है। बट वॉलपेपर मेरे को उतना पसंद नहीं आया। और इसमें आपको लॉक स्क्रीन में डिफॉल्ट विजेट देखने को मिलता है जो कि आई गेस चेंज होना चाहिए था। डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन मज़ा नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे ना, मज़ा नहीं आ रहा, वो वाला सेम फील आ जा रहा है। फिर अगर आपको वीडियो और थीम पसंद आया होगा और आपको थीम सजेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स और अपडेट रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए और बताइए आपको कैसा और वीडियोस चाहिए, नीचे आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये थीम पसंद आया तो जाइए थीम स्टोर में, सर्च कीजिए MIUI 13 लाइट। जैसे आप सर्च कीजिएगा MIUI 13 लाइट तो आपको ये थीम स्टोर में मिल जाएगा, या नहीं मिले तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो जाइए सर्च कीजिए MIUI 13 लाइट। आई होप कि शायद आपको ये वीडियो, ये थीम दोनों पसंद आया होगा। अगर आपको थीम और वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आपको चीज करना है वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो में लाइक एम 120 जो कि आई होप आप कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए। कुछ भी पूछना है तो नीचे आप कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, थीम सजेशन और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल।